स्वागत आपका एनबीएसई न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर हलचल तेज हो रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 10 सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं। इनमें लोकसभा अध्यक्ष, एक पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष, एक राजनीतिक दल के संयोजक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज विधायक व वरिष्ठ नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। आइए बात कर लें उन सीटों की। इन सीटों में जालोर, सिरोही, सीकर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, दौसा, झुंझुनू, टोंक सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा शामिल है। जालोर सिरोही इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। खुद गहलोत ने यहाँ प्रचार की कमान संभाली हुई है। वैभव 2019 में जोधपुर से सांसद का चुनाव हार गए थे। सीकर सीट की बात कर ले, यह सीट कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी हुई है। यहाँ पर सीपीआई के अमरा राम चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की गठबंधन में बड़ी भूमिका रही है, इस कारण डोटासरा के कंधे पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी है। नागौर की बात कर ले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। बेनीवाल 2019 में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सांसद चुने गए थे। इस सीट पर बेनीवाल के साथ साथ कांग्रेस के 4 विधायकों की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। चूरू की बात कर लें, शेखावाटी की सबसे हॉट सीट चूरू मानी जा रही है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा है और पिछले 2 चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी से भी मैदान में है। उनका सीधा मुकाबला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से है। इस सीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की साख भी जुड़ी हुई है। जैसलमेर बाड़मेर की बात कर ले, यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। बता दें, यहां से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल से है, लेकिन निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। टोंक सवाईमाधोपुर की बात कर ले, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। पायलट टोंक से विधायक है और उनके समर्थक माने जाने वाले हरीश मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके सामने तीसरी बार भाजपा के सुखबीर सिंह जोनापुरिया मैदान में खड़े हैं। दौसा सीट की बात कर ले, कभी पायलट परिवार की गर्म भूमि रही, इस लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा का भाजपा के कन्हैया लाल मीणा से सीधा मुकाबला है। बता दें, मुरारी लाल मीणा लगातार दूसरी बार दौसा से विधायक है और पायलट के करीबी माने जाते हैं। उधर भाजपा ने कन्हैया लाल मीणा पर दांव लगाया है। इस सीट पर सचिन पायलट, जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर है। झुंझुनू की बात कर ले, कांग्रेस के ओला परिवार का इस सीट पर लंबे समय तक दबदबा रहा है। शीशराम ओला यहां से 6 बार सांसद रहे हैं। अब कांग्रेस ने उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला को चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें, ब्रजेंद्र भी लगातार चौथी बार विधायक है। उनका मुकाबला भाजपा के शुभकरण चौधरी से है। जाट बाहुल्य सीट पर दोनों दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। बांसवाड़ा की बात कर ले, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई महेंद्र जीत सिंह मालवीय को टिकट मिला है। यहां भाजपा को भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी से थोड़ी चुनौती मिल रही थी। ऐसे में पार्टी को कद्दावर चेहरे की तलाश थी। यह तलाश मालवीय के रूप में पूरी हुई। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कोटा सीट की बात कर ले, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। गुंजल ने हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। बता दे, गुंजल और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल के बीच रस्साकसी भी इस सीट पर बनी हुई है। लाल किले में इस वक्त बस इतना ही। जुड़े रहिए एनबीएसई न्यूज के साथ।